हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को आज बाल कटिंग करने की मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस मशीन के द्वारा छोटे छोटे घास को और बड़े घास को दोनों काटा जा सकता है। इन मशीन की मदद से आप लोन और गार्डन को बड़ी घास को आसानी से काट सकते हैं। इन मशीनों में तेज ब्लेड दिया गया है जो कटिंग करने के लिए बेहद आसान बना देंगे। मानसून के दौर में घास तेज़ी से बढ़ती है, जिसे आपको 4-5 दिन का अंदर ही घास काटना ज़रूरी होती है। अगर आप भी अपने लॉन और गार्डन को हर समय मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये घास कटिंग मशीन आपको मदद कर सकते हैं और कटे हुए घास को रखने के लिए मशीन के साथ में साइड में बक्सा भी दिया गया है। ये ग्रास कटिंग मशीन ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों तरह की होती है। इनमें तेज धार ब्लेड नीचे की तरफ दिया गया है, जिससे घास काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस मशीन को चलाने के लिए डी आकार का लीवर दिया गया है। साथ ही अच्छी पकड़ के लिए ओवरहैंड ग्रिप भी है लगा है। इसकी मदद से आप बहुत तेज़ी से बड़ी घास को भी काट सकते हैं। ये ग्रास कटिंग मशीन काफ़ी लाइट वेट और कलरफुल है। इसमें कई ऑपरेशन मोड दिया गया है, जिससे आप ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यह मशीन लॉन और गार्डन को घास काटने के लिए अच्छा है, बेस्ट है। गार्डन को मेंटेन रखना एक बड़ी बात होती है। दोस्तों, इस मशीन की मदद से बढ़ी हुई घास को आसानी से काट सकते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल गीली घास में नहीं करना चाहिए। इस मशीन की मदद से गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं और गार्डन हरा भरा ही अच्छा लगता है। दोस्तों, इस छोटे छोटे घास को काटने के लिए ये मशीन, घास कटिंग मशीन अच्छी है। विंटर सीजन में गार्डन के घास को 7-10 दिन में काटना आवश्यक है। आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।